भिवानी में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी के हलके तोशाम में बीजेपी ने बड़ी रैली कर उनको चुनौती दी है। सभा का नाम तो पंचायती राज प्रतिनिधि सम्मान समारोह दिया गया है, लेकिन कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत वरिष्ठ नेताओं ने किरण चौधरी को संदेश दिया कि वो अब यहां भाजपाई कमल खिलाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पंचायतों को दिए ग्रांटों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया, 25 करोड़ तक हम जिला परिषद को ले गए, 2.5 से 5 करोड़ तक हम ब्लॉक समिति को ले गए, और पंचायतों में भी हमने उनका बजट बढ़ाकर उनका काम किया। मेरे समय में तो हम 20 लाख तक का अधिकार हमने जो है वो पंचायतों के सरपंचों को खुद करने का दे रखा था, लेकिन बाद का निर्णय ऐसा हुआ है कि अब 2 लाख तक का वो खुद कर सकते हैं और बाकी टेंडरिंग के माध्यम से, और उसमें इतना ही अंतर होता है कि टेंडर में एक से ज़्यादा प्रतिभागी आ सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बाकी कोई अंतर नहीं। जो आर्थिक पावर है वो पंचायतों की वैसी है, केवल टेंडर होने और टेंडर नहीं होने का अंतर है। और जिसमें टेंडर नहीं होता है उसमें भी डीसी रेट तय करता है, पहले डीसी रेट तय करता था उस पर वो काम कराते थे, तो उसमें कोई ऐसी छूट नहीं है कि पंचायत रेट तय करती है, तो उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। मामूली सा ये बदलाव है कि टेंडरिंग में एक से अधिक प्रतिनिधि आ सकते हैं, ये सरकार का बदलाव है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में पंचायती राज की शक्तियों को बढ़ाने का काम किया है। जहां पहले जिला परिषद का बजट 50 लाख रुपए होता था, उसे 25 करोड़ रुपए तक करने का कार्य किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने जिला परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायतों में सरकार के हस्तक्षेप को कम करके उन्हें अपने स्तर पर फैसले लेने का अधिकार दिया है, जिसका भविष्य में सुखद परिणाम आएगा। हमने जो है पंचायतों का सशक्तिकरण किया है, जिला परिषद हो, पंचायत हो, ब्लॉक समिति हो या शहरी सरकार हो, उनका सरकार का हस्तक्षेप को कम किया है, अपने फैसले करने का अधिकार उनको दिया है, और उसके परिणाम सुखद आएंगे कि हम जो उनका हक है सरकार का उनको दे देंगे, कौन सी योजनाएं करनी है उसको वही करें, कोई फैसला नहीं। पंचायतों के अधिकार बढ़ाए हैं और भी अधिकार बढ़ाएंगे, और जिला परिषद के चेयरपर्सन को तो हमने अधिकारियों की एसीआर का अधिकार भी दिया। बता दें कि तोशाम अनाज मंडी में हुए जन प्रतिनिधि सम्मान समारोह में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विपल्लव देव, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, संसदीय बोर्ड सदस्य सुधा यादव, सांसद चौधरी धर्मवीर और ब्रिजेंद्र यादव शामिल हुए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने वरिष्ठ नेताओं का स्वागत किया। इस दौरान बड़ी भीड़ भी यहां पर देखने को मिली और बीजेपी नेताओं ने तो शाम में कमल खिलाने का ऐलान तक कर दिया। सत्य खबर के लिए अनुपम शर्मा की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।